हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव शर्मा। आप देख रहे हैं टेक्स्ट माइट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की स्टूडियो आपको ओप्पो F11 प्रो के बारे में बताने वाला हूँ कि फोन की क्या स्पेसिफिकेशन है और फोन किस प्राइस पर आ सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो आएगी पसंद, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। कर लेते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें कंफर्म बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें आपको लीक्स बताने वाला हूँ। तो कंफर्म चीज़ों में याद आता है पहला कि यहाँ पे आपको बेजलेस डिज़ाइन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको कोई नॉच वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ बताता हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है वो ओप्पो R17 प्रो से इंस्पायर्ड है और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो फोन की टैगलाइन यूज़ करी गई है वो है ब्रिलियंट पोर्ट्रेट इन लो लाइट, यानी कि आपको लो लाइट की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। क्या पता F1.5 का अपर्चर देखने को मिल जाए आपको बैक कैमरे का। अब बैक कैमरे यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के। और यहाँ पे बात करते हैं लीक्स की, तो यहाँ पे एक लीक आता है कि यहाँ पे आपको सोनी का IMX586 देखने को मिल सकता है। सेल्फी की बात करते हैं तो वो भी लीक में आती है कि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल सकती है। वुक चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी इस फोन के अंदर, यह होगी ओप्पो की खुद की फास्ट चार्जिंग है जिसे ओप्पो वुक चार्जिंग कहता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है ये, तो आपको अच्छी खासी आपको वुक चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको शायद MediaTek का हीलियो P90 देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और मतलब बहुत ही बढ़िया फोन रहने वाला है क्योंकि प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस कम करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे बैक साइड में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है, यानी कि अगर आपको इन डिस्प्ले देते तो यहाँ पे आपका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको बैक में दे रखा है फिंगरप्रिंट स्कैनर जिससे प्राइस इसका कम रहे। और आपको रियर में दो कैमरे देखने को मिल जाएंगे 48 प्लस 8 मेगापिक्सल के। अब इसका एक डाउनग्रेड वर्जन भी आएगा जिसका नाम होगा ओप्पो F11। उसका प्राइस बात करते हैं तो उसका 17 से 18 K के अराउंड उसका प्राइस होगा और ओप्पो F11 प्रो का प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ 20,000 से ऊपर देखने को मिलेगा ही, 25,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा इसका कुछ प्राइस ओप्पो F11 प्रो का। सो दोस्तों, ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।